नमस्कार एंड वेलकम टू editplatter.com। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आज की बड़ी खबरें, कल चुनाव आयोग के समक्ष सभी राजनीतिक पार्टियां पेश हुई। उनमें से 3-4 पार्टीज के अलावा ज्यादातर सभी ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स पे एक बार वापस अपना विश्वास व्यक्त किया, लेकिन साथ ही साथ ये वोटिंग प्रक्रिया, भारत में मतदान प्रक्रिया कैसे और ज्यादा सुरक्षित हो सके, इस पर भी बल दिया। और उसके बाद चुनाव आयोग ने यह फैसला किया कि जो पेपर ट्रेल है उसको वो हर बार लागू करेंगे, और कुछ सैंपल पेपर ट्रेल वोटिंग जो होगी उसको हर इलेक्शन के बाद काउंट भी किया जाएगा, ये सुनिश्चित करने के लिए और लोगों को यह भरोसा देने के लिए कि जो पेपर ट्रेल के जरिए जो गिनती हो रही है, मतगणना हो रही है, वो कुल नतीजों के साथ मेल खा रही है। तो एक शायद बड़े जो एक कंट्रोवर्सी चल रही थी, एक विवाद चल रहा था, कंट्रोवर्सी चल रही थी, उस पर विराम लगाए। और साथ ही साथ मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी साहब ने यह भी घोषणा की है कि इस माह के आखिर में यानी मई के अंत तक वह उस चुनौती को भी सार्वजनिक करेंगे जिसमें चुनाव आयोग ने कहा था कि आइए और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स को हैक करके दिखाइए, उसमें कुछ धांधली करके बताइए। तो वो चुनौती, वो दंगल अभी होगा। एक और बड़ी खबर जो भारत पाकिस्तान से संबंधित है, राजौरी सेक्टर में जम्मू कश्मीर में आज सुबह से फिर भारी एक्सचेंज ऑफ फायर हो रहा है और सीज फायर वायलेशन किया गया पाकिस्तान की तरफ से, अनप्रोवोक्ड फायरिंग हुई है। उसी से जुड़ी हुई एक खबर कि अमेरिका में नेशनल जो सिक्योरिटी अफेयर्स के निदेशक हैं, डायरेक्टर हैं, उन्होंने एक कांग्रेशनल ब्रीफिंग में पाकिस्तान पर आरोप लगाया है कि वह आतंकवाद को बढ़ावा देता है और जिस तरह से आतंकवादियों को संरक्षण प्रदान करता है उसकी वजह से भारत और पाकिस्तान के संबंधों में हमेशा तनाव रहता है और क्षेत्र में अशांति रहती है, युद्ध की संभावना बढ़ती है। टेररिस्तान करके कुछ अमरीकी अखबारों ने कल की इस मीडिया ब्रीफिंग को डिस्क्राइब किया है अपने अखबारों में। सो एक वेलकम खबर, लेकिन अमेरिका का जिस तरह का रवैया रहा है हाल में, इतना ढुलमुल और इतना बदलते रहने वाला कि उसकी एक इस कार्यवाही पे कोई भारत बहुत ज्यादा संतोष ले उसकी आवश्यकता नहीं है। इसी से जुड़ी हुई, क्योंकि अमेरिका की बात चल रही है, तो अमेरिका की एक और बात भी करते चलें कि डोनाल्ड ट्रंप ने, जिन्होंने 2 दिन पहले अपने FBI डायरेक्टर जेम्स कॉमी को सैक किया था, उससे जो विवाद पैदा हुआ है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। विवाद की जड़ जेम्स कॉमी साहब थे। जेम्स कॉमी इन्वेस्टिगेट कर रहे थे जो पिछले साल अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव हुए थे उसमें रूस की कितनी भूमिका थी, रूस का कितना इन्फ्लुएंस था, कितना इंटरफेरेंस था। अब कुछ लोगों का मानना है जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप चूंकि एक तरह से रूस के द्वारा प्रोजेक्टेड कैंडिडेट थे या रूस समर्थन कर रहा था, क्रेमलिन समर्थन कर रहा था वी-सा-वी हिलरी क्लिंटन के, उनकी उम्मीदवारी का, तो उस मामले में जो जांच पड़ताल चल रही है वो किसी ऐसे इनकन्वीनियंट मोड़ पर नहीं पहुंच जाए जेम्स कॉमी के नेतृत्व में, इसलिए जेम्स कॉमी को हटाया गया। जेम्स कॉमी का हटाने के फौरन बाद से कुछ सेलेक्टेड लीक्स शुरू हुई हैं अमरीकी मीडिया में, जिसमें इस बात का उल्लेख है कि डोनाल्ड ट्रंप ने प्रयास किया था जेम्स कॉमी को इन्फ्लुएंस करने का, उनको अपने घर डिनर पे बुलाया था और वहां कहा था कि क्या वो उनके प्रति अपनी एलिजेंस या अपनी लॉयल्टी के बारे में एक वचन देंगे, तो उस पर जेम्स कॉमी ने मना कर दिया था। उन्होंने कहा मैं ईमानदार रहूंगा लेकिन मैं व्यक्तिगत वफादारी का वचन नहीं दूंगा। इस तरह की बातें मीडिया में छप रही हैं और इसी से नाराज होकर डोनाल्ड ट्रंप ने कॉमी को सैक कर दिया। अब डोनाल्ड ट्रंप ने जवाबी एक ट्वीट में कहा है कि जेम्स कॉमी को यह मनाना चाहिए कि उस रात्रि भोज का कोई टेप अब सार्वजनिक नहीं हो जाए, इसलिए और लीक से सावधान रहे। तो कुल मिलाकर जिस तरह से अमरीकी राष्ट्रपति और जेम्स कॉमी के बीच ये वाद विवाद चल रहा है और FBI का जो मौजूदा नेतृत्व जेम्स कॉमी के हटने के बाद भी और जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उन सब ने कह दिया है कि रूस की क्या भूमिका थी अमेरिकी राष्ट्रपति पद चुनावों में, इस पे उनकी पड़ताल जारी रहेगी, उसकी वजह से भी एक बेचैनी सी है वहां पर। और डोनाल्ड ट्रंप तो खैर बार बार बयान बदलने के लिए जाने ही जाते हैं। उन्होंने एक और बयान में ये कह दिया है कि ये जितनी बातें निकल रही हैं अब जेम्स कॉमी की बर्खास्तगी से संबंधित, ये सब फेक न्यूज का एक और उदाहरण है, नकली खबरों का एक और उदाहरण है, और इसलिए शायद हो सकता है आने वाले दिनों में वे तमाम प्रेस ब्रीफिंग्स को, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को ही कैंसिल कर दें और सिर्फ प्रश्नों के लिखित उत्तर ही भेजा करें, जिससे कि डिस्टॉर्शन की, तोड़ मरोड़ की कोई गुंजाइश ही नहीं रहे बकौल डोनाल्ड ट्रंप।
सो अमेरिका एक अलग किस्म के भूचाली दौर से गुजर रहा है अपने नए राष्ट्रपति के साथ, जिनको अभी सत्ता में आए कुल 5 महीने हुए हैं, लेकिन इतने परिवर्तन आ गए हैं, इतनी कंट्रोवर्सीज पैदा हो गई हैं, इतने विवाद पैदा हो गए हैं कि बस थमने का जैसे नाम ही नहीं ले रहे। तो खैर, मैं तो ये बात कर रहा था कि पाकिस्तान की जो एक आलोचना की है अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप लेकिन जिस तरह से बदलते रहते हैं, उनका प्रशासन का रुख जिस तरह से बदलता रहता है, हमें कोई बहुत ज़्यादा संतोष नहीं लेना चाहिए। और इस रुख बदलने का एक और संकेत आया है कि किस तरह से अमेरिका ने अब घोषणा की है कि वो चाइना द्वारा वन बेल्ट वन रोड ओबोर जो समिट होने जा रही है उसमें भाग लेने वाला है। कल परसों तक भाग नहीं लेने वाला था, अब अमेरिका ने कहा है कि एक किस्म का ट्रेड ऑफ है, जो कुछ व्यापार में कंसेशंस दिए हैं चीन ने, उसकी वजह से वो जा रहा है। उधर नेपाल ने भी घोषणा की है कि वो ओबोर में शामिल हो रहा है। चीन ने भारत को कहा है कि भारत अवश्य शामिल हो, नहीं तो इलाके में अपने दक्षिण एशिया दक्षिण पूर्व एशिया में अलग थलग पड़ने की संभावना बन जाएगी भारत की, आइसोलेट हो जाएगा भारत। सोच का विषय है, क्योंकि भारत के अतिरिक्त दक्षिण एशिया के सभी देश अपने प्रतिनिधि भेज रहे हैं। 4 देश जो हैं, श्रीलंका, पाकिस्तान, मालदीव्स और एक और राष्ट्र, तो अपने अध्यक्ष भेज रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड भेज रहा है। बांग्लादेश अपना कॉन्स्टिट्यूशनल हेड नहीं भेज रहा है, लेकिन उसका प्रतिनिधिमंडल वहां जा रहा है। सिर्फ भूटान एक ऐसा देश है जिसकी कोई डिप्लोमेटिक टाइज नहीं है चीन के साथ, तो वो उसका कोई प्रतिनिधि वहां नहीं जा रहा। कुल मिला के 38-40 देशों के हेड्स ऑफ स्टेट भाग ले रहे हैं, 150 कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव भाग ले रहे हैं। इवन जो चीन के शत्रु राष्ट्र माने जाते हैं, जैसे कि दक्षिण कोरिया, जापान, इनके भी डेलीगेशंस भाग ले रहे हैं। सो इंडियन एक्सप्रेस ने आज एक संपादकीय लिखा है इस विषय पर और कहा है, एक तरह से संकेत दिया है, स्पष्ट शब्दों में नहीं कहा है, कन्फ्यूशियस का हवाला देते हुए, कि जब आप खुद कामयाब बनना चाहते हैं तो दूसरे को भी कामयाब बनाने में मदद करते रहना चाहिए। इस तरह के सांकेतिक भाषा में इंडियन एक्सप्रेस ने अपने संपादकीय में शायद ये कहने की कोशिश की है कि भारत बहुत ज़्यादा अपनी स्थिति पर अड़ा नहीं रहे, डिगा नहीं रहे, थोड़ा लचीला रहे अपने डिप्लोमेटिक रवैये में, और शायद उनका ये संकेत है कि भारत को अटेंड करनी चाहिए। उसी तरह से लाइव मिंट में जो ब्लूमबर्ग के कॉरेस्पॉन्डेंट है बीजिंग में, उन्होंने इस ओबोर समिट के बारे में लिखा है कि जिस तरह की महत्वाकांक्षी या कह सकते हैं अति महत्वाकांक्षी योजना है, जब तक ये ओबोर कंप्लीट होगा, जो चीन को अफ्रीका से, यूरोप से, एशिया के दूर दूर के इलाकों से जोड़ेगा, तो इसमें कुल इन्वेस्टमेंट जो होगा करीब $3 trillion का होगा, $3 trillion का। अगर हम सोचें तो शायद कल्पना भी नहीं कर सकते, ऑलरेडी करीब करीब $1,000 अरब का कमिटमेंट चाइना इस प्रोजेक्ट में कर चुकी है। और जो चीन के राष्ट्रपति हैं वो इसको अपनी सबसे एम्बिशियस स्कीम की तरह देखते हैं। और चाइना के बारे में जो मैं हमेशा बताता हूँ कि अगर भारत और चीन में एक सबसे बड़ा फर्क है कि चीन एक सिविलाइजेशनल ढंग से सोचता है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करता है, तो उसी का एक नमूना ये ओबोर प्रोजेक्ट भी है, जो कि कंप्लीट होगा 2049 तक, मतलब अब से लगभग 25 साल बाद जिस प्रोजेक्ट का कंप्लीशन होना है, उसके बारे में चीन आज से ही इतना सक्रिय है। बहरहाल, ये एक वैसा मुद्दा है जिस पर भारत को सोचना पड़ेगा। हमारे कुछ अकेडमिक एक्सपर्ट्स तो जा रहे हैं कि क्या कोई और रिप्रेजेंटेटिव भी इस सम्मेलन में शामिल हो, जिससे भारत की भी भागीदारी हो। अगर हम उस कमरे में होंगे तो अपनी बात कह पाएंगे शायद, अगर कमरे से ही बाहर रह के बायकॉट करेंगे तो कहीं चीन की बात सही नहीं निकल जाए कि हम अलग थलग पड़ रहे हैं। एक और बड़ी खबर जिसका उल्लेख करना चाहेंगे आज के इस संवाद में, वो है ट्रिपल तलाक से संबंधित। ट्रिपल तलाक के मामले पे जो सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की, अलग अलग धर्मों के जजों की जो बेंच बनी है, उसमें उसने अपनी कार्यवाही शुरू कर दी है। 2 खास बातें हुई कल उसमें। आरिफ मोहम्मद खान, जो भारत के शायद मुस्लिम सबसे समझदार और सुलझे हुए नेता हैं, जिन्होंने राजीव गांधी कैबिनेट से शाहबानो केस के संदर्भ में इस्तीफा दिया था, उन्होंने कहा था कल सुप्रीम कोर्ट में कि ट्रिपल तलाक मुस्लिम महिला को देना उसको जिंदा दफना देने जैसा है। और तो और, सलमान खुर्शीद जो यूपीए सरकार में विदेश मंत्री थे, उन्होंने कहा है कि जिस प्रथा को खुद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और इस्लामी नेता सिनफुल या पापी, एक तरह से पाप से भरी हुई कार्रवाई बता रहे हैं, वो कैसे रिलीजियस उसको सैंक्शन दी जा सकती है।
उसको कैसे धर्म में अलाउ कर सकता है? एक तरफ तो आप उसको सिनफुल कह रहे हैं और एक तरफ से कह रहे हैं कि भाई हमारी धर्म में इंटरफेयर मत कीजिए। तो जो चीज गलत है, पाप से इक्वेट है, इक्वेट की जा सकती है, सिनफुल है, उसको तो धर्म धार्मिक सैंक्शन मिलनी ही नहीं चाहिए। तो दोनों ही अधिवक्ताओं ने, लॉयर्स ने ट्रिपल तलाक के खिलाफ बात की है। और भी कई बड़ी खबरें हैं देश और दुनिया से जुड़ी हुई। एडिट प्लैटर पे आइए, आप पढ़िए हमारे साथियों की बेहतरीन पॉडकास्ट सुनिए, और जो बेहतरीन लेख और आलेख एडिट प्लैटर पे लगे हुए हैं अलग अलग पब्लिकेशंस के, उनका भी स्वाद चखिए। मुझे दीजिए अनुमति, आपका सप्ताह अंत सुखद हो। हैव अ ग्रेट वीकेंड। नमस्कार।